फर्स्ट किचन में शेरी में आपको वेलकम खुशामदीद। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुदा के फजल से, खुदा के करम से, उसकी बेबहा मोहब्बत से। आज शेरी के किचन में जबरदस्त किस्म का हम बना रहे हैं जी, बीफ का कोरमा बनाते हैं खुदा के खूबसूरत बाबरकत नाम से। बीफ जो है वो मेरे पास 1 kg है, बीफ कोरमा बनाने के लिए 1 kg मेरे पास बीफ है और योगर्ट है इनके दही, 1 बॉल मेरे पास दही का है, ब्राउन प्याज का लिया था मैंने, ब्राउन प्याज है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 1.5 tablespoon पाउडर है, 1.5 teaspoon, 1 teaspoon मेरे पास नमक है यानी कि सॉल्ट है 1 teaspoon और कोरमा मसाला जो है वो मेरे पास है 2 tablespoon। तो ऑयल लिया जी मैंने कढ़ाई में खाने के लिए यानी कि 4 चम्मच है और 4 tablespoon गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर हम जी डाल देते हैं बीफ, लहसुन के साथ हम इसको थोड़ा भूनेंगे जो है वो मैंने जग में डाल दिया है, जो मेरे पास है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे दही का और प्याज का। तो चेक करते हैं बीफ में काफ़ी पानी जो है इसका निकला था, अभी ड्राई हो चुका है पानी, अभी थोड़ा सा है इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे भूनेंगे। इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, इनके नमक ऐड कर दी है, साथ में ऐड करूँगी मैं चिली पाउडर, इनके लाल मिर्ची। तो मेरे पास जो बीफ है वो है बोनलेस बीफ था, इसके अंदर एक ही हड्डी आपको नज़र आ रही होगी, तो ये स्पेशल हड्डी जो है हम लोगों ने खुद दिलवाई है क्योंकि हमारे घर में एक बंदा है जिसको हड्डी पसंद है, वो है हमारा छोटू, हमारा मैथ्यू, उसको हड्डी बहुत पसंद है इसलिए हमने इसके अंदर हड्डी डलवाई है। और अभी साथ में डाल रही हूँ कोरमा मसाला, थोड़ी सी करेंगे इसकी भुनाई। जो मेरे पास दही और प्याज था उसका मैंने पेस्ट बना लिया था वो इसमें ऐड करेंगे हम। अभी जो है थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है जग में जो लगा हुआ था दही और प्याज का पेस्ट, अभी थोड़ी इसकी करेंगे जी भुनाई। इसका मैंने जो पेस्ट बनाया था वो हमने ऐड कर दिया है, अभी थोड़ी देर इसको पकने देंगे, थोड़ा इसको भुनेंगे, जब जैसे ही ये भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसमें हमारा जो है बीफ गल जाए। तो चेक करते हैं जी कितना ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत मज़े का लग रहा है, चेक करती हूँ कि मैं बीफ हमारा जो है गला है या नहीं गला। कुछ भी सब अभी थोड़ा सा कच्चा है बीफ, इसको हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। ओके रिबन मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डालूंगी, इस अभी ढकना लगा दिया, अभी मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा कोरमा तैयार हो चुका है, बीफ का कोरमा देखें जितनी खूबसूरत लुक है इसकी और खुशबू तो इतनी मज़े की आ रही है। हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी हम इसको जी निकालते हैं प्लेटर में। किस्म का ऐसे लग रहा है जैसे देग का कोरमा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, जैसे शादियों में कोरमा बन रहा है देग का, सेम वही लग रहा है। किस्म की खुशबू है और बहुत ही लजीज किस्म का हमारा जो है आज का बीफ कोरमा बना है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दिया करें क्योंकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। करें मेरी वीडियो को और लाइक ज़रूर कर दिया करें, ये आप लोगों का तामून है हमारे चैनल के लिए, आपकी मोटिवेशन है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप ज़रूर बता दिया करें, नहीं पसंद आती फिर भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। थैंक यू जी।